उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने एनेक्सी भवन के सभागार में जनपद में चल रही विकास कार्यों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करते हुए कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और कार्यों का सत्यापन नियमित रूप से होना चाहिए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को भी निर्देश दिया कि जनपद की सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर गड्ढा मुक्त बनाया जाए ताकि आम जनमानस का आवागमन सुगम हो। उन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी को शुद्ध पेयजल मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस योजना के तहत संचालित पाइप पेयजल योजना, ओवरहेड टैंक, सोलर आदि कार्यों का भौतिक सत्यापन कराते हुए समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था के साथ बैठक कर कार्य को धरातल पर लाया जाए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो कार्यदायी संस्था सड़क की खुदाई करेगी वही उस सड़क की मरम्मत कराकर रोड को उसी रूप में लाएगी। पेंशन योजना की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ब्लॉकवार शिविर लगाकर सभी पात्र लाभार्थियों को आच्छादित करें। जनपद में कोई भी पात्र लाभार्थी पेंशन से वंचित नहीं होने चाहिए और सभी के आधार फीडिंग का कार्य तेजी से कराया जाए तथा जिले को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में पूरी निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी के साथ कार्य किए जाए। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएमओ को निर्देश दिया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य 100% पूर्ण कर जनपद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करें। इसके तहत 20,16,187 गोल्डन कार्ड बनाने के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 5,00,000 बनाया। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि कार्य में गतिशीलता एवं जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक कार्यशाला आयोजित की जाए तथा नियमित रूप से कार्य की मॉनिटरिंग की जाए ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित ना हो सके। इस अवसर पर चिल्लू पार विधायक राजेश त्रिपाठी, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, खजनी विधायक श्री राम चौहान, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉ. गौरव ग्रोवर, CDO संजय कुमार मीना, GDO उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर सहित कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉ. आशुतोष कुमार दुबे तथा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस है सीधे सर? अभी जब लाइव सिंह उसमें एक्स्ट्रा मैन पावर लगाया था नमस्ते सर। जो भी जनपद प्रोशन लक्ष्य प्राप्त हुआ है इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त कर लिया है सर, लगभग 60% से अधिक सर। डिसबर्समेंट थोड़ी कमी क्योंकि सर ट्रेनिंग इसमें जो रिक्वायरमेंट है बच्चे ट्रेनिंग जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर जैसे ही सर आए ट्रेनिंग इसमें सर 6 दिन की होती है, 6 दिवसीय है। इसमें सर जो हम लोग ने क्लस्टर जो यहाँ डेवलप हो रहा है सर, MSCCDD क्लस्टर सर इसमें 25-25 लोग हैं सर, जो है 25-25 सर, मतलब 50 व्यक्ति हमारे से आच्छादित हो जाएगी सर। सर सर देखो टेलीकोटा सामान्य मोदी जी की इच्छा ये है कि टेलीकोटा बहुत पूरी दुनिया में पहुँचा है सर, तो आपने वो यहाँ पर ODOP सेंटर बनाया है सर। यहाँ ODOP में सर हम लोग को चाहिए उसमें एक एयर कोटा और एक रेडीमेड गार्मेंट की शॉप लगी जा रही है सर। और धनराशि पूरी 100% यूज करनी गई है पिछले वर्ष की ना जी सर। सर इस वर्ष की आज देखिए विभिन्न विभागों की समीक्षा हुई। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में भी जो जो बिंदु माननीय मंत्री और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने उठाए उन सबका जवाब दिया और उससे वो संतुष्ट नजर आए। बेसिकली आयुष्मान कार्ड पर, टीकाकरण पर, औषधियों की उपलब्धता पर, चिकित्सकों की उपलब्धता तथा टेलीमेडिसिन पर हुई थी। गोरखपुर में बहुत अच्छा काम हुआ है,
आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चतुर्मुखी विकास हो रहा है और सभी अधिकारियों ने अच्छा काम किया है।